अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फर्स्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको जिसमें मैंने इस प्रेजेंटेशन को फिफ्थ प्रेजेंटेशन दिया है टॉपिक का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कंपनी लिक्विडेटर. कंपनी लिक्विडेटर का मतलब को हम हिंदी में कंपनी समापक कहते हैं. कंपनी समापक से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई पेशेवर व्यक्ति की सूची में से नामांकित में से किसी के द्वारा कंपनी समापक के रूप में नियुक्त किया जाता है. तो यहाँ डेफिनेशन क्या कहती है, कंपनी लिक्विडेटर एक पर्सन है, ही इज अपॉइंटेड बाय एज अ कंपनी लिक्विडेटर फ्रॉम द पैनल ऑफ प्रोफेशनल. ठीक है, उस पैनल ऑफ प्रोफेशनल में से हम उसको अपॉइंट करते हैं. और कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पैनल को मेंटेन करके रखती है बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग. कौन अपॉइंटमेंट करेगा, ट्रिब्यूनल करेगा अगर वाइंडिंग अप ऑफ द ट्रिब्यूनल हो रही है, बाय द ट्रिब्यूनल हो रही है, या फिर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के केस में कंपनी करेगी, या फिर और क्रेडिटर्स करेंगे अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप हो रही है. तो कंपनी लिक्विडेटर कौन है, कंपनी समापक एक व्यक्ति है जो कि प्रोफेशनल लोगों का जो पैनल होता है उसमें से उसकी अपॉइंटमेंट करी जाती है. और ये पैनल कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. आगे अगर हम देखें इसी को कंटिन्यू करें तो कंपनी लिक्विडेटर इज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड टू टेक ओवर कंट्रोल ऑफ द कंपनी. उसके हाथ में क्या होता है, कंपनी का कंट्रोल होता है. ही रियलाइजेज असेट्स, ही रिलीजेज असेट्स, पेज इट्स डेब्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द सरप्लस इफ एनी अमंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. तो कंपनी समापक एक प्रशासक है जिसे कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए नियुक्त किया जाता है. ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड वह कंपनी की संपत्तियों की वसूली करता है, ऋणों का भुगतान करता है, तथा यदि कोई अधिकाय रहता है तो उसे कंपनी के सदस्यों में वितरित करता है. अगर कोई भी एक्सेस बचता है सरप्लस तो उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. कंपनी समापक कंपनी के समापक की कार्यवाही का संचालन करते समय कंपनी के प्रतिनिधित्व करता है. वह कंपनी के लिए एक कंपनी की ओर से कार्य करता है, अतः उसे कंपनी के अधिकारी भी कहा जाता है. ही इज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी. ठीक है, आगे हम देखें अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर. अपॉइंटमेंट जब इसका हो रहा है तो अपॉइंटमेंट में जो प्रोविजन्स हैं उनको हम लेते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर एज कंपनी लिक्विडेटर. राजकीय समापक को कंपनी समापक के रूप में नियुक्त करना. अधिकरण द्वारा समापन की दशा में समापन के उपदेशों के लिए अधिकरण किसी राजकीय समापक अथवा समापक को कंपनी समापक के रूप में नियुक्त करता है. तो फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल एट द टाइम ऑफ पासिंग द ऑर्डर. जैसे ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है वाइंडिंग अप का, द ट्रिब्यूनल अपॉइंट्स द ऑफिशियल लिक्विडेटर और द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी और द लिक्विडेटर एज अ कंपनी लिक्विडेटर. सेकेंड लेते हैं नियुक्ति की शर्तें. द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर और कंपनी लिक्विडेटर और द फीस पेबल टू हिम शैल बी स्पेसिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है एंड दीज शैल बी स्पेसिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टास्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन ऑफ सच लिक्विडेटर एंड साइज ऑफ द कंपनी. थर्ड है डिक्लेरेशन बाय द कंपनी लिक्विडेटर. ऑन अपॉइंटमेंट एज प्रोविजनल लिक्विडेटर और कंपनी लिक्विडेटर, द लिक्विडेटर शैल file the declaration within 7 days from the appointment in the prescribed form. And the declaration जो होगा उस declaration के अंदर, उस घोषणा के अंदर क्या होगा, उसमें ये mention होगा, it must disclose the conflict of the interest and the lack of interdependence in respect of his appointment, if any, with the tribunal, and the obligation under the direction shall continue throughout the terms of his appointment. तो अब इसमें ये कहा जाता है कि कंपनी समापक को अपनी नियुक्ति के 7 दिन के भीतर जो निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है. इस घोषणा में वह अपनी नियुक्ति के संबंध में अपने हित का टकराव अथवा स्वतंत्रता में कमी का को प्रकट करता है. ऐसी घोषणा करने का उसका दायित्व उसकी नियुक्ति की अवधि के दौरान सदैव बना रहेगा. अब आगे हम देखते हैं पावर्स ऑफ कंपनी लिक्विडेटर. पावर्स ऑफ कंपनी लिक्विडेटर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है पावर्स एक्सरसाइजेबल विद द डायरेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड सेकेंड है पावर्स एक्सरसाइजेबल विद द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज. पहला देखते हैं अधिकरण के निर्देशानुसार उपयोग में की जाने वाली शक्तियाँ, और सेकेंड देखते हैं लेनदारों या अंशदाताओं के निर्देशानुसार उपयोग में
में की जाने वाली शक्तियाँ। अब इसके जो पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में मैंने इस प्रेजेंटेशन में शो नहीं करा है, लेकिन बाद में जब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तब उनको पॉइंट्स को आप कवर करेंगे। अब पहले हम ले लेते हैं, इसके अंदर पहला पॉइंट हमारा आता है पावर्स एक्सेसिबल विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। पहला इसमें पॉइंट आता है कि क्या इसमें जो अधिकरण के निर्देशानुसार उपयोग में की जाने वाली कौन सी शक्तियाँ कंपनी क्रेडिट लिक्विडेटर को मिलती है। पहला टू कैरी द बिजनेस ऑफ द कंपनी, बिजनेस के कंपनी के बिजनेस को कैरी करना। सेकंड के अंदर है, सेकंड में है टू डू ऑल द एक्ट्स एंड टू एक्सरसाइज एंड इन द नेम और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। थर्ड आता है टू सेल द इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है, या एक्शनेबल क्लेम्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है टू सेल द होल और द ऑफ द अंडरटेकिंग, पूरी अंडरटेकिंग को बेचना। टू रेज एनी मनी, अगर कोई भी मनी की ज़रूरत है असेट्स को सिक्योरिटी के ऊपर रखकर, तो वो करने का। टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड एनी सूट, अगर कोई भी सूट चल रही है तो उसको उसके ऊपर उसको इंस्टीट्यूट करना है, उसको डिफेंड करना। टू इन्वाइट एंड सेटल क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स हैं उनका सेटलमेंट करना। एम्प्लॉयज़ का अगर कोई सेटलमेंट है वो करना, या कोई डिस्ट्रीब्यूट सेल प्रोसीड्स हुई है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्ट करना, या रिटर्न्स ऑफ द कंपनी की जो फाइल्स बनी हुई है उसको देखना। नेक्स्ट है टू प्रूव रैंक एंड क्लेम इन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरीज। टू ड्रॉ एंड एक्सेप्ट और मेक और एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर है वो। टू टेक आउट इन हिज ऑफिशियल नेम लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनी डिकीज कॉन्ट्रीब्यूटरी, और टू डू इन हिज ऑफिशियल नेम एनी एक्ट नेसेसरी। ठीक है, कोई भी टू टेक आउट इन ऑफिशियल नेम, उसके में कोई भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और टू एंड डिकीज कॉन्ट्रीब्यूटरी ये सब करना। टू ऑब्टेन प्रोफेशनल असिस्टेंस फ्रॉम एनी पर्सन, अगर इफ ही रिक्वायर्स तो उसकी प्रोफेशनल असिस्टेंस वो ले सकता है। एंड टू टेक ऑल अदर एक्शन स्टेप्स एंड और टू साइन और एग्जीक्यूट और वेरीफाई एनी पेपर उसको राइट है। नेक्स्ट है टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को भी अप्लाई कर सकता है वो, अगर कोई उसको नेसेसरी, अगर उसकी कोई ज़रूरत पड़ी वाइंडिंग अप के लिए, फॉर डायरेक्शन के लिए। एंड टू हैव प्रोफेशनल असिस्टेंस, अगर उसको कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस भी चाहिए तो ही कैन टेक हेल्प फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, या लीगल प्रैक्टिशनर्स है, या एनी अदर प्रोफेशनल की अगर उसको ज़रूरत है तो वो ले सकता है। सेकेंड आता है पावर्स एक्सरसाइजेबल एट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स। इसको हम दो पॉइंट में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर पहला है कि कंपनी की जो संपत्ति है उनके प्रशासन एवं उनके वितरण में जितने भी जो हमारे लेनदार हैं अथवा अंशदाताओं के निरीक्षण के अनुसार कंपनी समापक अपनी शक्तियों का पालन करेगा। लेनदार अथवा समापक अपने साधारण सभा व परामर्शदात्र समिति के संकल्प पारित करने का निर्देश दे सकते हैं है। और सेकंड है कंपनी समापक लेनदार एवं अंशदाताओं के निर्देशानुसार लेनदार अथवा अंशदाताओं की सभा बुला सकता है। ऐसी सभा उनके संकल्प के आधार पर अथवा कम से कम 10% मूल्य वाले लेनदार व अंशदाताओं के लिखित आवेदन पर बुला सकता है। तो ये रहते हैं जब क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स कर रहे हैं तो इनके जो पावर्स हैं, ये दो पावर्स क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा कंपनी लिक्विडेटर को दी जाती है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसका रहता है एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, फिर है हु इज़ द कंपनी लिक्विडेटर, और थर्ड रहता है हमारा एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। यहाँ पर आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। और ऊपर पावर्स हैं जो अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है, पावर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है हमारा अधिकरण के निर्देशानुसार उपयोग की जाने वाली शक्तियाँ, और सेकेंड है लेनदारों व अंशदाताओं के निर्देशन अनुसार उपयोग में की जाने वाली शक्तियाँ। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।